अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। यहाँ खैरियत से? मैं ये फ़ोन, इसका ना जैक ख़राब हो गया था। अच्छा। जैक डलवाना है। आज मुझे 8 दिन हो गए यहाँ पे आते हुए। आती हूँ, पुराना डाल देते हैं, मैं चली जाती हूँ। फिर यहाँ दो नंबर ही करते हैं। हाँ जी, दो नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये देखे ज़रा, इतना बंदा करे कि भी इतनी गर्मी में मैं इतनी मुश्किल से आ रही हूँ। ये पता नहीं मैंने कितनी दफ़ा आके यहाँ पर डलवाया है। यहाँ पे ठीक कर देते हैं, घर जाते तो बंद हो जाता है। यहाँ से मैंने कहते हैं जी नया चार्जर लो, मैंने नया चार्जर भी ले लिया है, फिर भी फ़ोन नहीं चल रहा। 8 दिन में कितना खर्चा कर लिया आपने? आने जाने में आप खुद सोच ले, चाहे मेरा से आना। और ये सारे भाई घुमा रहे हैं आपको, सही काम करके नहीं दे रहे? नहीं, वो मेन पे दुकान है, उनकी दुकान से ये मैंने काम करवाया। ये मैंने चार्जर डाला, अभी तक वो आदमी आया नहीं है, तो मैं इसलिए इधर बैठ गई। मैं क्या, शायद मेरा चार्जर का मसला है। चार्जर मैंने इनसे लिया परसों, कल इतवार था, मैं नहीं आ सकी। आज फिर मेरे साथ वही मसला बना है कि चार्जर, वो चार्जर कहते हैं सही है, अब फिर पिन का मसला है, मेरे काम का मसला है, मेरी छुट्टियां हो रही हैं, मैं इतनी मजबूर हो गई ना कि मैं क्या करूं अब। चार्जर वाले कहते हैं पिन का मसला है, पिन वाले कहते हैं चार्जर का मसला है। क्या कारोबारी लोग हैं ये, क्या काम कर रहे हैं आप? इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, पता नहीं क्या करते हैं ये। क्या काम करती हैं आप? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम। हेल्थ डिपार्टमेंट में है। आजकल क्या जिम्मेदारी है? डेंगू का काम चल रहा है, कुछ और है? डेंगू का काम चल रहा है, और आपको पता है इतने पेशेंट आ रहे हैं, हमारी तो छुट्टी का भी मसला है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी ये मजबूरी है कि मैं। मोबाइल नहीं चलेगा, ड्यूटी का कैसे पता चलेगा, कैसे आए जाएंगी, ये मेरी मजबूरी है। तो इनसे मेरी गुजारिश थी कि भी आप मेरा ये मोबाइल सही कर दे, कम से कम मैं छुट्टी को ना करूँ। क्या कहा भाइयों ने? इनका मसला नहीं, इनसे तो मैंने ये चार्जर लिया था, मैं कहा भाई मैं ये चार्जर लिया आपसे तो ये चल नहीं रहा। इन्होंने भाई से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि कोई अच्छा दुकानदार है, भाई जी ये क्या उनके पास भेजा। मैंने इन्हें कहा है कि जैक वगैरह अपना चेक करवा ले, मैंने दूसरे फ़ोन पे चार्जर चेक करवा दिया इन्हें, तो अगर होता मसला मैं चेंज कर देना था, लेकिन अब जैक का मसला आ रहा है इसमें। जैक का इतना बड़ा मसला है, बेचारी 8 दिन से चक्कर लगा रही है, कोई आइडिया नहीं। मैं 2 दिन से आ नहीं रहा था, चाचू होते थे मेरे, तो उन्होंने चार्जर दिया मुझे, अगर चार्जर में होता मैंने चेंज कर देना था। अब वो मोबाइल वाले कह रहे हैं कि इनके जैक का मसला है, अब वो तो इन्होंने रिपेयरिंग वाले नहीं करना जी। ये यहाँ पे अताई रिपेयरिंग वाले भी बैठे हुए, अब इसमें मुझे नहीं आइडिया। अब इनकी बातें सुन के तो मुझे तो यही ध्यान आया है कि हर बंदा रिपेयरर बना हुआ ऐसे ही है, ताई बैठे हुए। हाँ सच में, एक मैंने चार्जर लेके गया जी, ये ना लाड का है चार्जर, वो लेके गई तो किसी को दिखाया तो कहते हैं ये तो रेडी से भी नहीं मिल सकता इस तरह का, ये तो 2 नंबर है चार्जर। यहाँ किस तरह का काम है यहाँ पे? आप कितनी 2 नंबर ही कर रहे हैं हम लोग, कोई चीज़ ज़रा ज़रा सी चीज़ पे हमने तबाही की हुई है 2 नंबर में, ऐसे ही है। तो भाई जी कोई रेफरेंस ही दे दें, बेचारी कितनी परेशान बैठी हुई है काम छोड़ के, कोई अच्छा रिपेयर करने वाला भाई बता दें, उनकी कुछ तो हेल्प करें। अच्छा रिपेयरिंग वाला वही बताएंगे, क्योंकि उनका काम वो है, वही बता सकता है। मेरी फील्ड ये थी एक्सेसरीज की, मैं फिर गाइड कर सकता था इन्हें। नहीं तो उनसे तो बात कर लूँ ना, करनी चाहिए उनसे बात करके फिर इनके पास आऊँगे। आज भी छुट्टी करके आई हैं? हाँ जी। या आधी आधे टाइम में आई हैं यहाँ? हाँ आधे टाइम पे मैं छुट्टी लेके आई हूँ, फिर वापस आएंगे। बताएं ज़रा कहाँ से लगवाया? जो कि ये भाई दुकान नहीं है जो उन्हें पहले कहें कि ये आपसे जैक लगवाए थे, ख़राब हो गया थी, तो वो अभी आदमी नहीं आया, तो मैं कहा चलो मैं आपको चार्जर तो चेक करवा दूँ, ये ना कि चार्जर में कोई मसला हो। नहीं नहीं बाहर जो है दुकान जिनके, अच्छे भाई उन्होंने कहा जी अभी करवा देते हैं, लेकिन ये वैसे मैं अपने तौर पे इन्फॉर्मेशन ले लेती हूँ। भाई जी ये जो जैक का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है या छोटा सा? ये तो सिर्फ 5 मिनट का मसला है, वो हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, इतना कोई मेजर मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह। खैरियत से यहाँ? ये दरअसल बस प्रोटेक्टर लगवाने आई थी मोबाइल की। बड़ा ज़रूरी है आजकल मोबाइल लेना, इतना मुश्किल है, प्रोटेक्टर बड़ा ज़रूरी है। दरअसल कारोबार हमारा ऐसा है कि हम मोबाइल रखना लाजमी है। अच्छा क्या करती हैं आप, काम करती हैं? हाँ जी मैं काम करती हूँ। गुड, क्या काम करती हैं? मैं ज्वेलरी का काम करती हूँ, लोगों से घर में लोग बनाते हैं। हाँ। होम मेकिंग होता है, हैंडमेड ज्वेलरी। हैंडमेड ठीक है।
हाँ जी। तो लोग घरों में बनाते हैं, आप क्या करती हैं? मैं उनको यानी कि सपोर्ट करती हूँ। आप सपोर्ट करती हैं? जी, मेरा सारा कुछ होता है और वो घर में बैठ के बनाती हैं। ठीक है, वो मेरे वर्कर्स हैं आपके, तो वो लोग फिर आप ऑनलाइन सेल करती हैं, अपने कोई आउटलेट बना रखी है, क्या की? शॉप्स हैं मेरी लगी हुई हैं, ऑनलाइन तो नहीं अभी फ़िलहाल कर रही, तो मार्केट में शालम मार्केट है वहाँ पर देती हूँ, और काफ़ी मतलब के शॉप्स हैं जहाँ पे मैं सेल करती हूँ। ठीक है। ज्वेलरी भी महंगी हो गई है, सस्ती है? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, उसका मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, उसके अलावा जो कह लें कि 2 महीने हो गए हैं काम तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा कह लें कि सिर्फ 1% अभी स्टार्ट हुआ है, और 2 महीने तो बिल्कुल मैंने घर में बैठ के गुजारे हैं, और जो लोग हैं जिनको उम्मीद मुझ पर है कि आप बाजी काम करेंगी तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा, और ये है कि उनका वो बेचारे मुझे कह के थक गए, लेकिन आगे से मुझे कुछ नज़र आएगा तो मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी ना। अब तो शादी सीज़न हो गया शुरू, अब तो मज़ीद काम भी, फिर भी जो दुकानदार हैं हम तो कुछ हैं ही हैं, लेकिन जो दुकानदार है वो हमसे ज़्यादा रो रहे हैं, और एक तो टाइमिंग कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, 5 बजे बंद कर देनी है शॉप, इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अच्छा, आपका कारोबार मुतासर होगा? जी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए लोग शाम के बाद ही घरों से निकलते हैं, जिस तरह के 4 बजे 3 बजे के बाद लोग घरों से निकलते हैं, फर्स्ट टाइम कोई भी नहीं निकलता, शॉपिंग लोग शाम के टाइम ही करते हैं। कितने साल हो गए हैं कारोबार करते हुए आप? मुझे मैक्सिमम 1.5 साल हो गया है। यानी नया नया शुरू किया है? हाँ जी नया। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? शुक्र है अल्लाह पाक का, दुआएं आप जैसी बहनों की, सबकी दुआएं हैं। आगाज़ में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। लेकिन जो मुल्की हालात हैं उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। अब आप खुद देख लें, बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है, अब हम कई लोग ऐसे हैं जिनके अपने घर हैं वो तो कर रहे हैं गुजारा, लेकिन जिनके अपने घर नहीं हैं वो बेचारे बिल दें, घर का किराया दें, घर का राशन डालें, ठीक है, आपके सामने है हर चीज़, जो काफ़ी ज़्यादा मुल्क के हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, कई लोग तो वैसे भी खुदकुशियां करने पे मजबूर हुए हैं। अल्लाह खैर अल्लाह खैर। मुझे ये बताइए, इस वक्त जो महंगाई के हालात है, शिकवा आप भी कर रही हैं, ख़वातीन का मर्दों के साथ काम करना कितना ज़रूरी हो गया घरों को चलाने के लिए? जैसे कि सालन के बगैर रोटी खाना मुश्किल है, इसी तरह अगर बीवी काम नहीं साथ करेगी या घर में जितने खाने वाले हजरात हैं उतने काम नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा, और वैसे भी अगर उतने कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी घर का जो सिस्टम है ना वो ज़्यादा चलाना मुश्किल हुआ है। अच्छा, 1.5 साल में अगर मैं अंदाज़न पूछूं कि 1 महीने का आप कितना कमा लेती हैं, कोई अंदाज़ा, रफली अंदाज़ा? मैक्सिमम 1 लाख के करीब हो ही जाता है, लेकिन माशाल्लाह वेरी गुड, इनिशियल तौर पे आगाज़ पे तो ये बहुत अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता फिर दरअसल फिर उसमें से मैंने अपना सारा बजट साइड पे निकालना होता है, जो मेरे वर्कर हैं उनकी भी मैंने सारी सैलरी। बचत कितनी है, बचत बताइए, खर्चे निकाल के बचत कितनी? मैक्सिमम 50 कर लेती, 1 लाख कमाएंगे, 50,000 खर्चे निकल गए और 50,000 बचे। जी हाँ जी, ऐसा ही बेस्ट ऑफ लक जी, आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह। लेकिन गुजारिश यही है कि हुकूमत से कि मेहरबानी है, हम जैसे गरीबों पे थोड़ी सी नज़रसानी करें, इतनी महंगाई ना करें कि गरीब आवाम जो है बर्दाश्त ना कर सके।